हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किलबस। दोस्तों आज इस वीडियो में हम डेटा साइंस के बारे में कंप्लीट डिटेल अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं। दोस्तों हम लोगों को ये अच्छी तरीके से पता है कि डेटा साइंटिस्ट का जो रोल है ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग रोल हो चुका है एंड बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल से ज्यादा डेटा साइंटिस्ट का रोल आ रहा है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ दिस रोल इज वेरी ह्यूज राइट नाउ और इसका जो डिमांड है मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो ये डिमांड क्यों बहुत ज्यादा है, किस तरीके से डेटा साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, कितना मुश्किल है बनना, एग्जैक्टली डेटा साइंस को किस तरीके से समझना है, ये सारे चीज हम इस वीडियो के थ्रू अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो माय नेम इज सब्यसाची एंड विद नो फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जानते हैं कि डेटा साइंस का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ डेटा साइंस। डेटा साइंस का मेनली मतलब होता है साइंस ऑफ डेटा, ठीक है, सिंपल भाषा। अब दोस्तों कोई भी डिसीजन जब आप लाइफ में लेते हो तो कोई ना कोई डेटा के भरोसे ही लेते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कल आप किसी कॉलेज में जा रहे हो, लेट से कॉलेज एक्स वाई जेड है, वहां पे आप जाना चाहते हो, तो उस कॉलेज का आप एक ही डेटा चेक करते हो कि उसका एवरेज प्लेसमेंट पैकेजेस कितना है, राइट। जिस कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट पैकेज ज्यादा होता है आप उसी कॉलेज में ज्यादा जाने की कोशिश करते हो एंड दैट डिसीजन इज टेकन बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ अ डेटा दैट यू चेक ऑन द इंटरनेट, राइट। तो लाइफ में कोई भी जो हम लोग डिसीजन लेते हैं वो डेटा के थ्रू लेते हैं और जब बिजनेसेस चलती है ह्यूज बेसिस में डेटास का इस्तेमाल होता है ये समझने के लिए कि किस तरीके का प्रोडक्ट बनाना चाहिए, किस जगह पे उस प्रोडक्ट को लॉन्च कराना चाहिए ताकि हमारा जो सेल्स है वो मैक्सिमम हो सके। तो आप समझ सकते हो जो डेटा का अंडरस्टैंडिंग है वो बिजनेस डोमेन्स में कितना ज्यादा जरूरी है और क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है डेटा साइंटिस्ट का भी जरूरत बहुत ज्यादा हो जाता है एंड दैट इज प्रिसाइजली द रीजन जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं जो बेसिकली इन डेटास के साथ कलेक्ट करके एक प्रॉपर मॉडल एक्सरसाइज करके एक फाइनल सोल्यूशन क्रिएट करती है कंपनीज के लिए, उनकी जरूरत भी इतना ज्यादा बढ़ जा रहा है। इन अदर वर्ड्स डेटा साइंटिस्ट बेसिकली अ टेक्निकल कंसल्टेंट ऑफ अ कंपनी जो बहुत सारे कंप्यूटर टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कंपनी का सोल्यूशन एक होलिस्टिक और एक सीमलेस मेथड के थ्रू प्रेजेंट करती है, ठीक है। तो इस चीज को एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ओके। तो लेट्स से देयर इज अ कंपनी जिस कंपनी का नाम एक्स वाई जेड है, ठीक है, वो कंपनी आपको बुलाई है, दे हैव कॉल्ड यू अप, व्हाई, बिकॉज यू आर अ डेटा साइंटिस्ट, ठीक है, यू आर अ डीएस डेटा साइंटिस्ट। तो अब क्या हुआ है, कंपनी का एक छोटा सा प्रॉब्लम है, लेट्स से उसका कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का इस क्वार्टर में सेल्स बहुत कम हुआ है, ठीक है। तो वो आपको ये प्रॉब्लम बताया कि भाई देखो ऐसा है कि हमारा कंपनी का सेल्स लास्ट एक क्वार्टर से बहुत ज्यादा कम है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है हमारी कंपनी को, वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज। तो आप एज अ डेटा साइंटिस्ट यहाँ पे क्या काम करोगे, आप एज अ डेटा साइंटिस्ट यहाँ पे आके कंपनीज के जो बहुत सारे डेटाज है, मतलब कंपनी का क्या प्रोडक्ट है, कौन से कस्टमर को ये प्रोडक्ट पसंद है, कौन से एरिया में सेल्स हो रहा है और जितने भी सारे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है आप उन सब चीज का एक डेटा कलेक्ट करोगे कि कौन से कस्टमर का किस तरीके का रिव्यूज है, क्या नहीं है, वो सारे चीज आप कलेक्ट करके एक टोटल मॉडल में उसको प्रेजेंट करोगे कि ये प्रॉब्लम्स है आपके कंपनीज के, ठीक है, और इस पर्टिकुलर डेटाज में मुझे कुछ सर्टेन चेंजेस नजर आए हैं लास्ट क्वार्टर। तो वो जो सारे पैरामीटर्स है जो इस सेल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं वो सारे पैरामीटर्स को कलेक्ट करके वो एक सर्टेन प्रॉब्लम देखेगा कि कौन सा पैरामीटर में एक सर्टेन चेंज है, तो उसी पैरामीटर के इन्फ्लुएंस में वो बताएगा कि दिस इज प्रिसाइजली द रीजन एंड दैट इज बेसिकली द रीजन बिकॉज ऑफ विच आपका सेल्स डाउन हुआ है, क्योंकि इस पैरामीटर में कुछ सर्टेन चेंज है। अब वो पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, लेट से प्रोडक्ट का क्वालिटी कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा है, लेट से देयर इज अनदर कॉम्पिटिटर ऑफ एक्स वाई जेड इन द मार्केट हु आर परफॉर्मिंग बेटर इन दैट सेम प्रोडक्ट लाइन फॉर द कस्टमर। सो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिस वजह से कस्टमर साइकोलॉजी को समझना जरूरी है और उसको टेक्निकली समझ के एक प्रिस्क्राइब्ड एनालिटिक्स करना, जिसका मतलब है कि आप एक सर्टेन प्रॉब्लम की प्रेस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रॉब्लम को उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप बन जाते हैं उसका एक सोल्यूशन मेकर, राइट। तो जब करते हैं इस पूरे प्रोसेस को तो आप कंपनी का एक बहुत ही कोर प्रॉब्लम की सोल्यूशन निकालते हैं जिससे कंपनी का प्रॉफिट्स मैटर करता है। इसी वजह से डेटा साइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आजकल के जो टेक्निकल का जमाना है, जो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस जनरेशन है, इस पर्टिकुलर आइडिया को इंप्लीमेंट करना प्रॉपर तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज प्रिसाइजली द रीजन डेटा साइंटिस्ट आर सो इम्पॉर्टेंट एंड सो डिमांडेड इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। तो डेटा साइंटिस्ट बेसिकली करते क्या है, वो जनरली बहुत सारे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं
ठीक है, बहुत सारे मॉडल्स का यूज करते हैं और स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करते हैं, जैसे कि रिग्रेशन का आपने नाम सुना होगा, जिसमें क्या होता है कि वाई एक्सिस में एक सर्टेन एलिमेंट को रखा जाता है, एक्स एक्सिस में एक सर्टेन एलिमेंट को रखा जाता है, और वो देखते हैं कि किस तरीके से चेंजेस हुए ओवर द टाइम। लेट्स से लास्ट एग्जांपल के हिसाब से वाई एक्सिस में आप सेल्स को रखोगे, क्योंकि आप देखना चाहते हो कि सेल्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्यों सेल्स घटा हुआ है, सेल्स को आपको बढ़ाना है। तो एक्स एक्सिस में वो सारे पैरामीटर्स रखते हैं जो सेल्स को जनरली इन्फ्लुएंस करती है उस कंपनी का, तो वो सारे पैरामीटर्स रख के वो चेक करते हैं बहुत सारे वैल्यूज रख के कि वाई किस तरीके से वैरी कर रहा है, और वो कोशिश करता है कि एक्स में वो वैल्यू रखे जिसमें वाई का वैल्यू मैक्सिमम हो, ताकि कंपनी का सेल्स मैक्सिमम हो सके, एंड बाय डूइंग दैट वो कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ला सके। तो इसके लिए ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट होती है। और दोस्तों बेसिकली अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से डेटा साइंटिस्ट का लाइफ चलती है, तो इसी तरीके से चलती है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अगर आप देखोगे तो फर्स्ट स्टैंडिंग करती है, जैसा मैंने आपको बताया कि वो बिजनेस को समझता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उस बिजनेस में है। फिर वो क्या करता है, वो डेटा का कलेक्शन करती है, वो देखता है कि कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है और कौन सा डेटा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इन्फ्लुएंस कर रही है जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको बुलाया गया है। एंड आफ्टर दैट ही प्रिपेयर्स ऑल द डेटा, देन ही डज द एक्सप्लेनेटरी पार्ट, जहाँ पे वो देखते हैं कि किस तरीके से ये पैरामीटर इन्फ्लुएंस कर रही है जो हमारा मेन टारगेट है उसको। फिर वो मॉडलिंग करता है, जैसे मैंने रिग्रेशन बताया, और बहुत सारे अलग अलग मॉडलिंग्स होते हैं, ठीक है, उसको करके वो पूरा एक मॉडल इवैल्यूएशन करके समझता है कि इस पैरामीटर में अगर आप चेंजेस लाएंगे तो आपका सेल्स अगले क्वार्टर बढ़ सकता है, ठीक है, और उसके बाद वो प्रॉपरली प्रेजेंट करती है, एंड बाय डूइंग दिस ही बिकम्स द कंसल्टेंट फॉर दैट कंपनी। और इसी वजह से, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी स्टार्टअप्स प्रेजेंट होते हैं जो सेम इकोसिस्टम में लाई करते हैं, प्रॉपर कंपटीशन सेट करने के लिए लोग अच्छे से अच्छा डेटा साइंटिस्ट ढूंढने का कोशिश करते हैं, सो दैट दे कैन मेक देयर बिजनेस मच बेटर देन हाउ इट इज वर्किंग राइट नाउ। सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट, एंड दैट इज द मेन रोल। सम ऑफ द स्किल्स जो आपको आनी चाहिए वो नॉर्मल कंप्यूटर की बेसिक्स, जैसे कि प्रोग्रामिंग का, पाइथन, और सबसे ज्यादा एक प्रॉपर बिजनेस एक्यूमेन की जरूरत है, एक डोमेन को प्रॉपरली समझने की जरूरत है। जैसे एक फार्मा डोमेन अलग होता है, फैक्ट्रीज के नीड्स अलग होते हैं, लोग अलग होते हैं, एक टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो सर्विस होते हैं, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विस होते हैं, उनके नीड्स अलग होते हैं। तो सारे जो बिजनेस डोमेन्स है सबके नीड्स अलग होते हैं, उस नीड्स को समझना और उस प्रॉपर बिजनेस एक्यूमेन की जरूरत हर एक डेटा साइंटिस्ट को होती है। और आजकल जो भी बड़े बड़े कंसल्टिंग फर्म्स होते हैं वो धीरे धीरे एक डेटा साइंस के फर्म में बदल जा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम कंसल्टेंट फर्म्स डेटा साइंस का इस्तेमाल करती है प्रॉब्लम्स निकालने के लिए कंपनीज का और उसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो एक छोटा सा हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से ये डेटा साइंस का एप्लीकेशंस काम करते हैं, हाउ डज द एप्लीकेशन ऑफ द डेटा साइंटिस्ट वर्क, कितने तरह के एप्लीकेशंस होते हैं। सबसे पहले कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने का, जैसे कि ई कॉमर्स के वर्ल्ड पे आप देख लीजिए, कस्टमर को आइडेंटिफाई करना कि हमारा जो ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है वो कौन से कस्टमर्स को इम्पोर्टेंट है, ये कंज्यूमर एनालिटिक्स बोलते हैं इसको, जहाँ पे कस्टमर का अंडरस्टैंडिंग और जगह के हिसाब से आप प्रोडक्ट का सेल करते हो। जैसे कि बहुत सारे कंपनीज है, जैसे कि जोमैटो को देख लीजिए, जोमैटो एग्जैक्टली करता क्या है, जोमैटो आपका बहुत सारे डेटा कलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन द फूड यू आर ऑर्डरिंग, ठीक है। तो हर एक एरिया का, हर एक डोमेन का कस्टमर का फूड ऑर्डर कैसा कैसा है, कौन से फूड पसंद है, उसका पूरा डेटा रखते हैं वो, जो बेसिकली वो क्या करते हैं, उसी बेसिस में वो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को हेल्प करते हैं कि आप ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स में ज्यादा गौर कीजिए और इस प्रोडक्ट का ये प्राइस रखिए तो आपका रेस्टोरेंट का भी सेल्स ज्यादा होगा। तो ये सारे काम एक डेटा साइंटिस्ट करता है मेरे भाई। तो हर चीज का, जो भी आप टेक्निकल देख रहे हैं आजकल दुनिया में, जो कि उबर को आप देख लो, कौन से जगह पे गाड़ी का अवेलेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए ताकि कस्टमर से ज्यादा आप अटेंशन कर सको, मतलब ले सको, और ज्यादा कौन से ऐसे एरियाज है जो ऑफिशियल इलाका है और जहाँ से लोग ज्यादा घर को जाते हैं, तो कौन से ऐसे डिस्टेंसेस है, उसको जो प्राइस ऑप्टिमाइजेशन होती है, सारे काम इसी तरीके से किया जाता है। तो आज जितने सारे टेक्निकल आप स्टार्टअप्स देखते हैं वो इसी आइडिया पे मेनली काम करती है। नॉट ओनली दिस, आप मैन्युफैक्चरिंग के भी दुनिया में देख लेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि सिस्टम के प्रॉब्लम्स होते हैं, मशीनरी में प्रॉब्लम्स होते हैं, सिस्टम का जो प्रॉब्लम है वो डिटेक्ट करना, वो भी एक डेटा साइंटिस्ट का काम होता है। बैंकिंग में कहाँ पे क्या फ्रॉड्स हो रहे हैं, किस तरीके से पैसा मूव कर रहा है, वो सारे चीज, और किस तरीके से जो लूप होल्स है एक पर्टिकुलर सेक्टर में वो सॉल्व किया जाए, उसके लिए भी डेटा साइंटिस्ट हो रहे हैं, उसको भी कैरी आउट कर पाए, उसको भी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन में बदल पाए, ठीक है। तो क्रेडिट का रिस्क कितना हो सकता है, सर्टेन क्रेडिट अगर कोई इंसान को दिया गया, लेट्स से देयर इज अ पर्सन जिसको क्रेडिट दिया गया है, और उसका कैसा मतलब परफॉर्मेंस है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, वो सारे चीज को समझना, ये सारे काम भी एक बैंकिंग सेक्टर में एक डेटा साइंटिस्ट का होता है। तो एक्सिस बैंक में भी बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट रहते हैं, SBI में भी बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट रहते हैं, ठीक है।
तो इसी तरीके से जैसे कि आप हेल्थ केयर में देख लो तो कौन से मेडिकल इमेज के एनालिसिस करना, ठीक है, क्या कोई नई ड्रग का डिस्कवरी करना, जो भी वर्चुअल असिस्टेंट वाले काम होते हैं, जैसे कि लेट से आपका कोई सर्टेन एप्लीकेशन बना है जो ऑनलाइन बेसिस में बिना कोई डॉक्टर के हेल्प के ऑनलाइन बेसिस में वो प्रॉब्लम सॉल्व करती हो, तो डिजीजेस का के लिए प्रॉपर मेडिसिन गाइड करती हो, तो वैसे भी एप्लीकेशंस बहुत सारे प्रेजेंट है। तो हेल्थ केयर में भी डेटा साइंटिस्ट वैसे काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट में भी काम करते हैं, जैसे मैंने ऊबर के एग्जाम्पल दिया, कार का मॉनिटरिंग सिस्टम जहाँ पे होता है, ठीक है, एनहेंसिंग द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स, सारे जो ये काम होते हैं जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ये भी डेटा साइंटिस्ट का ही काम होता है। अगर आप फाइनेंस में भी देख लो तो जो बहुत सारे फंड मैनेजर्स होते हैं, जैसे ग्रो जैसे ऐप्स अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी डेटा साइंटिस्ट का काम रहता है। वो बहुत सारे जो आप पैरामीटर्स डालते हो कि इतना पैसा मुझे आज डालना है और आफ्टर 20 इयर्स ऑफ टाइम मुझे इतना पैसा चाहिए, तो वो सारे जो आप कैलकुलेशंस है वो भी वहाँ के जो डेटा साइंटिस्ट और फंड मैनेजर्स होते हैं, जिसको पूरी तरीके से डोमेन का नॉलेज है, उन सारी चीज़ों का एक रिग्रेशन करके निकालते हैं। सो आप समझ सकते हो ऑल ओवर कि हर हर जगह पे डेटा साइंटिस्ट का काम कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा। आई गेस आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से डेटा साइंस इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और क्यों ये डेटा साइंस का स्किल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।